नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कॉलेज लेक्चरर यानी सहायक आचार्य 2020 चित्रकला विषय का पेपर सेकंड हुआ था उसकी आंसर की देखने जा रहे हैं। इसके आंसर की स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यदि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है या किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिलता है, अगर आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर इसमें कोई आवश्यक सुधार होगी तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे देंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चनों के उत्तर निकाल लिए गए हैं, कोई एक या दो क्वेश्चनों को छोड़ करके। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, अभिकथन ए यानी किस रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए, यानी किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। कारण है क्योंकि अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक, यानी ए है जो आंशिक सत्य है और आर एकदम से सत्य है। प्रश्न नंबर दो, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो आकृति की आवृत्ति के द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा? तो माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा। अगला प्रश्न, दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आता है उसे कहते हैं, यानी दृष्टि के कोण के कारण आकारों में जो छोटापन आता है उसका कारण होता है स्थितिजन्य लघुता। अगला प्रश्न, सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग चित्र में कौन सा भाव लाता है? इधर देखो वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन का भाव होता है चित्र के अंदर स्थायित्व का। अगला प्रश्न, सममित रूप का उदाहरण है, यानी सममित रूप का उदाहरण है यहां पर गिलास। अगला प्रश्न, प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए? तो प्लेटो ने आकृति के 2 भेद बताए हैं। इसमें क्या है कि आंसर अलग भी हो सकता है, अगर कुछ अलग आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 आकृतियों यानी आकृति के 2 ही भेद बताए हैं। लावण ने सौंदर्य सृजनात्मकता का भाव किस रूप से उत्पन्न होगा, यानी लावण ने सौंदर्य और सृजनात्मकता का भाव है वो अंडाकार रूप से उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न, द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा? द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है तान के प्रयोग से। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? यानी भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन जो यूरोपीय चित्रकारों हैं, उन्होंने चित्रभूमि विभाजन में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? तो उन्होंने पद्धति का प्रयोग किया था सम विभक्ति। अगला प्रश्न, चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है, चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है माधुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल रंग और तेल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण होता है? तो जल रंग और तेल रंग को परस्पर मिलाकर के अगर पोत बनाते हैं तो वो पोत कहलाता है सर्जित पोत। अगला प्रश्न, चित्र में एकरसता समाप्त करना किसका कार्य है? तो चित्र में एकरसता समाप्त करने का कार्य है प्रभाविता का। अगला प्रश्न, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, यानी स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। अगला प्रश्न, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किसमें सहायक है? तो ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग है जो पोत उत्पन्न करने में सहायक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखना कि इसका आंसर यानी तान व पोत दोनों तो हो ही नहीं सकता, इसमें यही होगा पोत उत्पन्न करना, लेकिन
क्या है, कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसका आंसर ये भी होगा, लेकिन ऑलमोस्ट अब तक के आंसरों में इसका उत्तर यही पाया है पोत उत्पन्न करने में। अगला प्रश्न, कंपनी शैली के चित्रकारों यानी कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो कंपनी शैली में अनुकृत पोत है वो विशेष रूप से दर्शाया गया है। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद और गोपालचंद किस चित्रण में अत्यधिक निपुण है? तो लालचंद और गोपालचंद है दोनों पट चित्रण में माहिर है, यही बताए जा रहे हैं। सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल किस चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो ये सारे के सारे हैं जो कंपनी शैली के चित्रकार है। निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? यानी नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार और समरेंद्रनाथ गुप्त, ये तो थे लेकिन केसी एस पनीकर है, ये अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक है ईवी हेवल। तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा? तो तकनीक की दृष्टि से राजा रवि वर्मा है, उन्होंने भारतीय कला को सर्वप्रथम पश्चिमी कला की ओर मोड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी थी? तो अंतिम रचना थी काटुम कुटुम। अगला प्रश्न, अमरता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है? तो अमरता शेरगिल के स्लिप नामक चित्र पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार पेग ग्रुप के सदस्यों में एक था? तो पेग ग्रुप के सदस्यों में था फ्रांसिस न्यूटन सुजा। अमरता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? तो अमरता शेरगिल का प्रिय रंग माना जाता है लाल। अगला प्रश्न, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक है? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्नलिखित में से किसने चित्रण किया था? तो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर चित्रण किया था चितेंद्रनाथ मजुमदार ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति से चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की? यानी लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति में चित्रण की विशिष्ट पद्धति विकसित करने वाले का नाम है असित कुमार हल्दार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार यानी कौन से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कलाकार है जो कवि और संगीत आयोजक भी थे? तो वो भी रहे थे असित कुमार हल्दार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा, सुधांशु भूषण राय चौधरी के कलागुरु रहे? तो इनके कलागुरु रहे थे शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न, कारू संघ की स्थापना किसने की थी? तो कारू संघ की स्थापना करी थी नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न, के हेबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो के हेबर को अमरता शेरगिल का कार्य बहुत अधिक पसंद था। किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया? तो के हेबर के रेखा चित्रों को सिंगिंग टाइम के नाम से छापा गया। अगला प्रश्न, किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो एफ एन सुजा की कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। यह कथन किसका है, मैं हर प्रमुख चीज को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूं, जो काला है मूल रंग वही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी है वह।
तो ये बात कही थी अपने एसएच रजा ने। अगला प्रश्न, किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला? तो गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था एमएफ हुसैन को। अगला प्रश्न, ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सर्जित की? तो ब्लॉक्ड एनर्जी है जो तैयब मेहता की। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है, मेरे म्यूरल्स पेंटिंग शैली से अत्यधिक प्रभावित रहे, यानी मेरे म्यूरल है वो पेंटिंग शैली से अत्यधिक प्रभावित रहे थे, तो ये कथन है सतीश गुजराल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे? तो ये रहे थे डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न, प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेस किस माध्यम में बना है? तो कंडोलेस है जो कांस्य माध्यम में बनाया गया है। अगला प्रश्न, हिम्मत शाह किस समूह के संस्थापक सदस्य रहे? तो हिम्मत शाह ग्रुप 1890 के सदस्य रहे थे। धनराज भगत का शिल्प द किस कौन से माध्यम में बना है? तो धनराज भगत का जो मूर्ति है द किस, ये लकड़ी माध्यम की बनाई गई है। निम्नलिखित में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखते हैं? तो ये नागजी पटेल के शिल्पों में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, लेडी विद रोज नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो लेडी विद रोज है रामकिंकर बेंज का। अगला प्रश्न, स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया? तो स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क के सूर्य मंदिर को 5 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से किस मंदिर को पंचरथ भी कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को पंचरथ कहा जाता है। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहा जाता है। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? कक्षा 12 में इसका आंसर 12, गुफा संख्या 12 को मानते हैं, जबकि साइड पर इसका आंसर मानते हैं गुफा संख्या 10। तो अब देखते हैं आरपीएससी इनका आंसर क्या मानती है। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में खजुराहो का उल्लेख किस नाम से हुआ? तो खजुराहो का उल्लेख हुआ था खजूरपुरा के नाम से। अगला प्रश्न, निम्न में घंटाई मंदिर स्थित है? तो घंटाई मंदिर है जो खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न, हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख यानी रखा था, वह अब स्थित है, यानी एलिफेंटा की जो मूर्ति है वर्तमान में कहां सुरक्षित है? तो वर्तमान में विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में मुकुंद नयनार मंदिर किस पत्थर का बना है? तो मुकुंद नयनार पत्थर है जो सैंड स्टोन से बना हुआ है। अगला प्रश्न, आबानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? तो हर्षत माता मंदिर में वर्तमान में कुल 4 वेदिकाएं हैं। आबानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीत होता है? तो आबानेरी में स्थित हर्षत माता मंदिर है जो मूल रूप से विष्णु का मंदिर कहलाता है। सोमेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर किराडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर के हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? तो श्री हर्ष के नाम से भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप स्थित है? तो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में 24 मंडप और 44 शिखर हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में है? यानी खजुराहो की भांति जो मैथुन दृश्य है वो रणकपुर के अपने पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। रणकपुर के पार्श्वनाथ मंदिर में ये जो दृश्य है ये स्थित है। अगला प्रश्न, जगत के अंबिका मंदिर
में मातृ देवी दुर्गा प्रतिमा किस रूप में है? तो अंबिका माता मंदिर में मातृ देवी दुर्गा की प्रतिमा है जो शांत व अभय मुद्रा में है। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के लूणवसही मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की संख्या कितनी है? तो विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की संख्या मानी जाती है 16। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के विमल शाह मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था? तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। हो सकता है इसका आंसर औरंगजेब वगैरह भी हो सकता है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन अभी तक इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही मिला है। अर्थुणा का प्राचीन नाम क्या था? ये आंसर अभी तक नहीं मिला, अगर किसी को मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला प्रश्न, मंडलेसा मंदिर कहां स्थित है? तो मंडलेसा मंदिर है जो अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, आबानेरी का हर्षत माता मंदिर है? तो आबानेरी का हर्षत माता मंदिर है ये किस प्रकार का मंदिर है? तो ये संरचना मंदिर है, इन्हें स्ट्रक्चरल टेम्पल कहलाता है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर की मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? तो ये मंदिर है 4 नंबर है मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देव की प्रतिमा नहीं है? तो यह मंदिर है जगत का अंबिका माता मंदिर। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी में कुंड के कितनी दिशाओं में सोपान माला है? तो सोपान मालाएं हैं जो कुंड के 3 दिशाओं में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया था? तो सीकर का जो हर्षनाथ मंदिर है ये चहवान विग्रह राज ने बनाया था। अगला प्रश्न, हर्षनाथ मंदिर सीकर को कौन प्रकाश में लाया था? तो हर्षनाथ मंदिर सीकर को प्रकाश में लाने का नाम जो कार्य किया था वो किया था सार्जेंट ई डीन ने। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर की खोज कौन से सन में हुई थी? तो खजुराहो के मंदिर की खोज हुई थी 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था यशो वर्मन ने। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की संख्या कितनी है? तो पहियों की संख्या मानी जाती है 24, यानी 24 ही है। अगला प्रश्न, विचित्र चित्त के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्त के नाम से पुकारा जाता है। आगे, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो सन 1935 में आरंभ हुई थी वह किस वाद से संबंधित है? तो एक्सिस पत्रिका है जो अमूर्त वाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से नवशास्त्रीय वाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? तो नवशास्त्रीय वाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है होरेशिया का पर्ण। अगला प्रश्न, जोक दाविद किसके शिष्य थे? तो जोक दाविद बुसे फ्रांसवा के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कला में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं? तो अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं वान गो की कला में। अगला प्रश्न, शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो शैलियों की लड़ाई है जो है ओनार दोमियो का चित्र। यह किसका कथन है, मेरे पास कोई कार्यकक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है? तो ये कथन रहे थे अपने क्लोद मोने के। अगला प्रश्न, किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छाया चित्र के सम्मान दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं अपने एडगर डेगा के चित्र। नव प्रभाववादी चित्रकार कौन है? तो इनमें नव प्रभाववादी चित्रकार है जॉर्ज शोरा। अगला प्रश्न, कुश्तीगर का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार है फर्डिनांड होडलर। फर्डिनांड होडलर को माना जाता है। भांड का महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो भांड के महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार है जॉन मीरो। अगला प्रश्न, बुग्गीवाल का नृत्य
नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो बुग्गीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार है पियरो ऑगस्ट रेनॉय। अगला प्रश्न, किस चित्र का पूर्व का नाम सनान था, यानी किस चित्र का पूर्व का नाम क्या सनान था? तो यह था अनावर्त, जो किसके द्वारा बनाया गया? रेनॉय के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने कहा कि मेरी मृत्यु पर कोई रस्म न की जाए और केवल उनका मित्र यह बोले कि वह रेखांकन बहुत पसंद करता था, मैं भी करता हूं? तो यह बात कही थी एडगर देगा ने। अगला प्रश्न, माने की कृति सूर्य उदय एक प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? तो यह कहा था लुईल रॉय ने। अगला प्रश्न, किस चित्रकार के लिए सेल्डन चेनी ने कहा एक महान सरलीकारक यथार्थ विरोधी एवं रचनात्मक डिजाइनर? तो यह कहा था पॉल गोगिन के बारे में। अगर किसी और कलाकार के बारे में अगर स्टेटमेंट मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन अभी तक इसका जवाब ये पॉल गोगिन ही माना जा रहा है। पेरिस की अर्नुवो कलावीथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी अर्नुवो कलावीथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र है जो माना जाता है जीवन की चित्रावली। अगला प्रश्न, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश है नामक चित्र का चित्रकार कौन था? ये रहे थे अपने जेम्स एनशॉ। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना? तो यह पहचाना था ओडिलोन रेंदो ने। किसने पहचाना था? ओडिलोन रेंदो ने। अगला प्रश्न, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो आकारों की विषमता के चित्रकार रहे थे फर्नांडे लेजे। अगला प्रश्न, जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? तो जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम देने वाला था हेराल्ड रोशन बर्ग। अगला प्रश्न, जिंजर पोर्ट का वस्तु चित्र के चित्रकार कौन है? तो जिंजर पोर्ट का वस्तु चित्रण बनाया था मोन्द्रियान ने। अगला प्रश्न, पॉप आर्ट का उदय कहां हुआ? तो पॉप आर्ट का उदय हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, द ब्रिज कला समूह के सदस्य कौन थे? तो ब्रिज कला समूह के सदस्य थे ई एल कृष्णर, ई हेकल, एफ बलेल और सेमिड रूटलॉफ। यानी ये द ब्रिज कलाकार कला समूह के सदस्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फोड़ने की अनुमति प्रदान की थी? तो यह अनुमति प्रदान करी थी भविष्यवाद में। आगे, निम्नलिखित यानी इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। इनमें से कौन सा नाम है जो असमान है? तो वो माना जाता है जीवन का आनंद। अगला प्रश्न, हरी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो हरी पट्टी मातिस ने बनाया। निम्नलिखित चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम में चुनिए। तो सबसे पहले कुर्बे, माने, पिकासो और जॉन ग्रीस। इसका करेक्ट आंसर होगा दो नंबर। इनमें से कौन यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है? तो इनमें कौन यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है? तो इसमें सालवडार डाली माना जाता है। हो सकता है ये प्रश्न डिलीट हो जाए या ये प्रश्न बोनस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक दो कलाकार और भी हैं जो इस वाद से नहीं है। निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा कलाकार है जो प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? तो इनमें माना जाता है देगा को। अगला प्रश्न, दृष्टि सातत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो दृष्टि सातत्व के चित्रकार यानी चित्र के चित्रकार रहे थे सालवडोर डाली। अगला प्रश्न, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है? तो यह बात कही थी हिगेल ने। किसने कही थी? हिगेल ने कही थी। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप
कौन से वाद का उद्भव हुआ? तो क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप अभिव्यंजनावाद का उदय हुआ। किसने कहा, कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे? तो ये बात कही थी टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न, किसने कहा जीवन की अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है, यानी जीवन में अचेतन का महत्व चेतन से अधिक किसने बताया था? तो वो बताया था फ्रॉयड ने। अगला प्रश्न, किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रण डोरियां अचेतन द्वारा खींची गई? तो ये बात भी कही थी फ्रॉयड ने। अगला प्रश्न, किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? तो कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क बताया था फ्रॉयड ने। अगला प्रश्न, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक है टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न, किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना? तो अरस्तु ने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था। अगला प्रश्न, किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंद प्रद है क्योंकि वह शिव है? तो यह माना था अपने अरस्तु ने। अगला प्रश्न, किसने कहा ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासितापूर्ण असत्य है? तो ये बात कही थी संत अगस्टाइन ने। अगला प्रश्न, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? किसके अनुसार उपयोगी कलाएं हैं जो अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ मानी जाती है? तो वो है प्लेटो के अनुसार। किसने ज्ञान की समस्या पर, यानी किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया? तो ज्ञान की समस्या पर कार्य किया था कांट ने। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक है इमानुअल कांट। किसके अनुसार सौंदर्य वस्तु जगत यानी वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? यानी किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो यह कहा था रोजर फ्राई ने। अगला प्रश्न, किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? तो यह माना था प्लेटो ने। अगला प्रश्न, किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? तो यह माना था अरस्तु ने। अगला प्रश्न, किसने ललित कलाओं को पांच भागों में बांटा? तो ललित कलाओं को पांच भागों में बांटा था हीगेल ने। अगला प्रश्न, निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं? तो आकारवाद से संबंध रखते हैं रोजर फ्राई। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो जर्मन दर्शन का अरस्तु कहलाता है हीगेल। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित है? किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित है? तो यह है रोजर फ्राई के अनुसार। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप से यानी प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है सुसेन लेंगर के अनुसार। सुसेन लेंगर किस देश से संबंधित है? तो सुसेन लेंगर है जो अमेरिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना? तो सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना था जॉर्ज सात्यानो। फीलिंग ऑफ फोरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फीलिंग ऑफ फोरम पुस्तक के लेखक है सुसेन लेंगर। अगला प्रश्न, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? तो उन्होंने लिखी टर्नर की प्रशंसा में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कला के लिए का विरोध किया? कला के लिए विरोध करने वाला व्यक्ति था आई ए रिचार्ड्स। हीगेल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? तो हीगेल के दर्शन से मार्क्सवाद का जन्म हुआ। निम्नलिखित में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है? तो संत अगस्टाइन का काल है
354 ईस्वी से 430 ईस्वी तक का। किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है, तो किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है, तो यह मानता था संत अगस्ताइन। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया, तो एस्थेटिक शब्द है जो यूनानी भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है, तो बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है लावण्य। अगला प्रश्न, रंग की प्रकृति को कहते हैं, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा, तो अगर किसी रंग को अपन देखने के बाद अगर आंखें बंद कर लेंगे तो हमें काले रंग का यानी काला रंग का अनुभव होगा। मध्यमान का प्रयोग चित्र में लाता है, मध्यमान का प्रयोग है जो चित्र में स्थिरता लाता है। अगला प्रश्न, शांत भावाभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए, तो शांत भावाभिव्यक्ति के लिए क्षितिजवत संयोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न, शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है, तो इसके बाहर माना जाता है ग्रीन, ग्रीन कलर को माना जाता है। हो सकता है इसमें ये लाइट रेड भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो इसे हरा ही माना जाता है। बाकी अगर कोई अन्य उत्तर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र के कितने भेद बताए गए हैं, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं, तो मानसोल्लास में चित्र के 5 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रंगत अग्रगामी है, तो अग्रगामी रंगत है लाल। अगला प्रश्न, किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका सफेद रंग मिलाने पर उस रंग का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफेद स्थान हो तो वह प्रतीत होता है किसका, वह प्रतीत होता है दुख का। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग, चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग कहलाता है विरोधाभास। अगला प्रश्न, कला में औपचारिक संतुलन में सम्मान भार केंद्र से अभिकथन देखना है बराबर दूरी पर रहते हैं, यह बात तो सत्य है। असम्मान दूरी पर रहते हैं, यह बात असत्य है। तो इसी के साथ कथन ए तो हो गया सत्य और कथन बी हो गया असत्य। अगला प्रश्न, अभी कथन ए को पढ़ते हैं, शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफेद नीले भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए, तो इसमें ये भूरा डाल दिया। भूरा डालने से क्या है, ये प्रॉपर सही नहीं है, यानी ये आंशिक रूप से सत्य माना जाता है। जबकि कोमल भावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का प्रयोग करना चाहिए, ये बात एकदम से सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक, ए तो है जो आंशिक सत्य है और बी है जो पूर्णतः सत्य है। तो इसी के साथ 150 प्रश्न है, ये पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। और अब भी अगर किसी प्रश्नों के उत्तर चेंज होते हैं, उत्तर एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अगर बाद में मिलेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का सही आंसर मिले जो हमने हल नहीं किए हैं, उनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।